वेलकम मदर्स। देखिए, यदि आपके घर में 6 महीने से 12 महीने के बीच का बच्चा है तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 बच्चे की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ जो उस बच्चे के ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। ये बहुत न्यूट्रिशियस रेसिपीज हैं, बहुत डिलीशियस भी हैं। मैं आपको रेसिपीज दिखा देता हूँ, बना चुके हम। एक तो रेसिपी ये है, आप इसका कलर देखेंगे तो ही पता चलेगा कितनी शानदार है। और दूसरी रेसिपी ये वाली है, कैसे बनाई गई है ये पूरा भी इसका इस वीडियो का जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि इनको बनाया कैसे गया। और इस वीडियो के लास्ट वाला जो सेक्शन है, जो रेसिपी के बाद वाला है, उसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसको बिल्कुल मिस नहीं करना। इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना। रेसिपीज तक जाएं उससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। कल मेरे साथ एक पेरेंट्स बैठे हुए थे, मदर इधर बैठे हुए थे, उनके हस्बैंड थे वो सामने बैठे हुए थे, उनके 7 महीने की बच्ची थी और बच्ची का वजन 7 kg था। वैसे बच्ची हेल्दी थी, एक जनरल चेकअप था, लेकिन हस्बैंड ने ये कहा कि मेरी वाइफ इतनी ज्यादा टेंशन में है अपनी बच्ची की फीडिंग को लेकर के कि ये बोले दिन में 2 बार रो लेती है। बोले मेरी बच्ची कुछ खाती नहीं है, क्या करूं। जब मैंने वो डिटेल्ड हिस्ट्री ली तो पता चला कि उसी घर में जो हस्बैंड थे उनकी सिस्टर भी साथ में आई हुई थी और उनका भी बच्चा था जो सेम एज ग्रुप का था, और वो जो बच्चा था वो अच्छे से खाना खा रहा था। अब यहाँ पर आप समझ रहे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, कंपैरिजन बहुत मुश्किल होगी। मदर देख रही है कि सेम एज ग्रुप का बच्चा वो अच्छे से खाना खा रहा है और मेरा बच्चा जो है वो नहीं खा रहा है, वो ब्रेस्ट फीडिंग पर ही ज्यादा डिपेंडेंट है। हो सकता है 1-2 बाइट ले लेता होगा लेकिन उससे मदर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। और मैं आपको बात बताऊं, यहाँ प्रॉब्लम बच्चे में नहीं थी, यहाँ प्रॉब्लम कंपैरिजन में थी। मैं बार बार आप लोगों से ये बात शेयर करता हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड पेरेंट्स, स्पेशली मदर्स, आप बच्चे को कभी कंपेयर मत करें। देखिए, हर बच्चे का जो फीडिंग, जो उसकी हैबिट्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट रहती है, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट भी अलग तरीके से होता है। ऐसा नहीं कि 2 बच्चे एक साथ ही चलते हैं, बिल्कुल सेम, कुछ अलग रहता है उनके अंदर। आपको नॉर्मलेसी का पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ तक ये नॉर्मल है, इसके बाद दिक्कत है। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, पीडियाट्रिशियन के पास जाइए, उनको दिखाइए, लेकिन ऐसे पैनिक मत होइए। और यहाँ एक बहुत बड़ी गलती जो होती है, बैकअप फूड का स्टार्ट करना। अगर बच्चा कुछ खा नहीं रहा तो मदर कुछ ऐसा प्रिपेयर करके ले आती है जिसमें कि मीठा है या जिसमें नमक है, कुछ ऐसी रेसिपी जिसके अंदर की जो न्यूट्रिशियस नहीं है, डिलीशियस है। याद रखिएगा इन दोनों वर्ड्स को, हमेशा याद रखिए जब आप बच्चे को खाना खिला रहे हैं। तो आपको पैनिक नहीं होना, मैंने उन मदर्स को भी समझाया कि आप 7 महीने का बच्चा है, मेनली तो ब्रेस्ट फीडिंग पर ही डिपेंड रहता है इस एज ग्रुप का बच्चा, आप पेशेंस रखिए, पेशेंस इज द की। आप सभी जो जिनके घर में इतना छोटा बच्चा है, आप प्लीज पेशेंस रखिए और हमेशा बैकअप फूड पे नहीं जाना है। बच्चा नहीं खा रहा है उसको रेस्पेक्ट दें, फोर्सफुल फीडिंग नहीं कराएं। बाकी इससे रिलेटेड मेरे मल्टीपल वीडियोज हैं, आप खुद देख सकते हैं। आज की रेसिपीज की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज जो ये दोनों शानदार रेसिपी जो आपको दिख रही हैं, बहुत गजब रेसिपीज हैं, इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें मैंने क्या क्या यूज किया है, आप मदर्स को ये पता होना चाहिए कि हाँ इसका फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है, वो मैं आपको इन रेसिपीज में बताऊंगा। अब जैसे मैंने आज के इसमें यूज किया है एप्पल को, अब देखिए एप्पल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है ये भी। एप्पल आप दे रहे हैं, बच्चे को फाइबर का सोर्स बहुत अच्छा मिल रहा है, विटामिन्स जो हैं वो जा रहे हैं, मिनरल्स जो हैं वो जा रहे हैं। ऐसे ही मैंने रेसिपी में एप्पल के साथ में लिया है कैरेट को। अब कैरेट के अंदर क्या है, स्पेशली विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा के अंदर है, आंखों के लिए, इम्यूनिटी के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। नुकसान क्या हो सकता है वो मैं भी आपको बताऊंगा। एंड एक मैंने लिया इसके अंदर बीटरूट को, चुकंदर को, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। मैं बहुत बार अपने वीडियोज में आपके साथ शेयर करता हूँ कि चुकंदर जरूर खिलाइए। हमारे यहाँ पर ज्यादातर बच्चे जो हैं वो एनीमिक हैं, तो आपको आदत रखनी है उसकी, बीट रूट जरूर खिलाना है। अब ये जो तीनों चीजें मैंने ली है, बीट रूट है, एप्पल है, कैरेट है, फाइबर्स अच्छे हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, आयरन है, बट यहाँ पर हमारे पास प्रोटीन नहीं है। अब आप समझ रहे हैं, अगर आपने ये जैसे रेसिपी है ये बच्चे को दे दिया, अब आप यही दिन में 2-3 बार उसे खिला जा रहे हैं बनाकर, तो अब प्रोटीन कहाँ से जाएगा, बच्चे का इंटेक लिमिटेड है। अब प्रोटीन के सोर्सेज आपको पता होने चाहिए कि हाँ अगर आज मेरे बच्चे की डाइट में फाइबर्स ठीक चले गए हैं, आयरन का सोर्स मैंने दे दिया है, तो अब मैं प्रोटीन का जो इंटेक है वो उसकी जो अगली जो मैं उसे खाना खिलाऊंगी उसमें प्रोटीन जाना चाहिए। मिल्क हो सकता है, मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, दही है, पनीर है, घी है, इस तरह से आपके पास में जो दूसरे नट्स हैं उनके अंदर आपके पास में मिलता है, आपके फैमिली में एग चलता है तो जरूर दीजिए अगर प्रोटीन का बहुत शानदार सोर्स है। तो बस इतना सा ही नॉलेज है, यही ध्यान रखना है कि हम जो खिला रहे हैं उससे मेरे बच्चे को क्या गेन हो रहा है और क्या नहीं मिल रहा, जो नहीं मिल रहा वो अगले खाने में देना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अब चलिए स्टार्टिंग करते हैं कि हमने इनको प्रिपेयर कैसे किया था।
तो मदर्स, आई होप कि आपने इन दोनों रेसिपीज को इन्जॉय किया होगा, कैसे हमने इनको प्रिपेयर किया है। एंड बहुत न्यूट्रिशियस हैं, बहुत डिलीशियस हैं। इसके अंदर हमने कोई शुगर नहीं करा है, कोई सॉल्ट नहीं डाला है। आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, हमें एक साल से पहले इन दोनों को ऐड नहीं करना है। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आप घर पे बनाने वाले हैं कि नहीं, बच्चे को खिलाने वाले हैं कि नहीं। और एक मैसेज जो मैं देना चाह रहा था, देखिए आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं ना पढ़ के, बहुत हम लोग मोटिवेट होते हैं, मेरी टीम बहुत मोटिवेट होती है। आप प्लीज़ पोस्ट करते रहिए। आज का ये जो वीडियो है, मेरी एक ऐसी व्यूअर जो मेरे हर वीडियो पर मुझे कमेंट करती है, मेरे हर वीडियो पर मुझे मोटिवेट करती है, उनका नाम है फरजाना पटेल। आई डेडिकेट दिस वीडियो टू हर। प्लीज अगर आप मुझे सुन रहे हैं, फरजाना पटेल जी आप देख रहे हैं, तो आई एम ईगर, आप मुझे बताइएगा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंट्रोडक्शन आप अपना दीजिएगा। और देखिए जल्दी अपने हमारे जो चैनल है डॉक्टर ब्रजपाल, इसका जो फोर्थ बर्थडे वो आने वाला है 31 जुलाई को। तो आपको नीचे एक नंबर जो दिख रहा है 9828157474, इस पर कॉल नहीं कीजिएगा, इसके ऊपर आप अपना 10-20 सेकंड का एक छोटा सा एक वीडियो जिसमें आपका एक इंट्रोडक्शन है और मेरे जो चैनल है उसके बारे में आप क्या अपनी राय रखते हैं वो जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं इसके बर्थडे पर, चैनल के बर्थडे पर उसे आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। और एक और इन्फॉर्मेशन, यदि आप बच्चे का डाइट चार्ट चाहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसी नंबर पर मैसेज करें। ये फ्री सर्विस नहीं है, इसकी कुछ फीस है, इसका कुछ अमाउंट है जो आपको पे करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।